Hey guys, today I'm going to be filming this winter glam makeup tutorial. This look is one of my favorite. It's fun, it's easy, and it's pretty, and of course totally glam look for winters. And I will show you step by step, and I hope you like this tutorial. Let's get started. Okay guys, so I have already moisturized my face. And the next product which I'm going to use is primer, and the primer I'm going to use is Color Bar. I'm taking this little bit of the product at the back of my hand. Just rub it and pat it so that aapke jo open pores hain wo acche se close ho jaye aur aapka jo foundation hai wo smoothly lage. और सबसे अच्छा ये इसका बेनिफिट ये भी है कि आपका ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है. आपका जो फाउंडेशन है, अगर आप सुबह इसको अप्लाई करोगे तो शाम तक आपका फाउंडेशन बिल्कुल जाएगा नहीं आपके. एंड द फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज दिस मेबेलिन ड्रीम सेटिन स्किन फाउंडेशन एंड माय शेड नंबर इज B5. शेकिंग इट, just taking 2 to 3 pumps at the back of my hand, just this much, and taking this makeup sponge and applying it all over my face. To set my foundation, I'm going to use this Forever 52 compact powder, and with the help of this fluffy brush, I'm taking this little bit on my brush and just spreading it all over my face. Now let's do the eye makeup. And the palette which I'm going to use today is my Huda Beauty. This is my current favorite, you all know. So the first product which I'm going to use, this one, this dark brown shade. And applying it to my crease line. So the second shade which I'm going to use, this Man-Eater dark maroonish kind of shade with the same fluffy brush. Now I'm taking this sponge आईशैडो एप्लीकेटर. ये जो आपको आईशैडो के साथ आपके पैलेट में मिलता है ये वही है. इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी आउटर कॉर्नर के लिए, वी बनाने के लिए. और इसके लिए मैं लूँगी ये ब्लैक कलर. और इस तरह से वी बनाऊँगी. और अब हम लेंगे एक पेंसिल ब्रश और इसको अच्छे से स्मज करेंगे. पेंसिल ब्रश से स्मज करने के बाद हम यूज करेंगे ब्लेंडिंग ब्रश और उसके साथ हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे.
आपको कोई भी हार्श लाइन नजर ना आए और इसको अंदर की तरफ हमने ब्लेंड करना है। Now I'm going to take this shade, this maroon shade, और इसको मैं लूंगी छोटी सी flat eyeshadow brush के ऊपर और center part पे इसको apply करूंगी। एंड गाइज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी ग्लिटर वाला शेड यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा उसको टैपिंग मोशन में यूज़ करें, ना कि उसको ड्रैग करके, क्योंकि जो ग्लिटर्स होते हैं वो आपके फेस के ऊपर भी गिर सकते हैं। और अब हम फिर से लेंगे कोई पेंसिल ब्रश और मैं ये वाला डार्क मरून शेड इसको मैं लूंगी ब्रश के ऊपर और अपने नीचे वाले आई एरिया पर इसको अप्लाई करूंगी। और अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं लूंगी ये वाला लाइटर शेड और इसको भी हम टैपिंग मोशन में यूज करेंगे। ओके सो द आईलाइनर व्हिच आई एम गोइंग टू यूज इज मेबलिन पॉच आईलाइनर। दिस इज आई स्टूडियो लास्टिंग ड्रामा विल जेल आईलाइनर और ये जो है मेरा ब्राउन कलर में है। आज मैं ब्लैक आईलाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं ब्राउन कलर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ फॉर अ चेंज। और इसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना वेगा आईलाइनर ब्रश। गाइस ब्राउन आईलाइनर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लगता है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा आपको बोल्ड लुक नहीं देता, एकदम आईज़ आपकी सटल लुक देता है और बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल लुक देता है। सो माई फर्स्ट आई इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट, लेट मी डू द सेकेंड आई। ओके गाइस सो आई हैव डन विद माई आईज, एज यू कैन सी आई हैव अप्लाइड माई आई लैशेज and above that I'm using mascara from the brand Faces and applying 1 to 2 coats so that मेरे जो original lashes हैं वो मेरे false lashes के साथ mix हो जाएँ और मुझे कोई भी तरह की problem ना आए। ओके आई एम डन विद द मस्कारा, अभी मेरा टाइम है कंसीलर लगाने का क्योंकि मुझे ये वाला एरिया एकदम अच्छे से कवर करना है अपना। सो द कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज टुडे इज NYX क्रीम हाईलाइट एंड कंट्रोल पैलेट। आई एम टेकिंग दिस फ्लैट फाउंडेशन ब्रश एंड अप्लाइंग टू जौन से एरिया पे मुझे अपने पार्ट्स को हाईलाइट करना है वहाँ मैं ये वाला कंसीलर का ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको लगाऊंगी अपने फोरहेड पर, नोज पर और अंडर आई एरिया और थोड़ा सा चिन पे और थोड़ा सा अपर लिप एरिया पे।
थोड़ा सा मैं लगाऊंगी अपना कॉर्नर्स में और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अपने फिर से वही मेकअप स्पॉन्ज के साथ To contour my face, again I'm using this NYX palette and taking this dark shade to contour my jawline area. I'm just taking the product and applying it here. और फिर से मैं एक स्पंज यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी स्किन के अंदर ताकि कोई हार्श लाइन नज़र ना आए और वो एकदम से नेचुरल लगे गाइस स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर्स को हमेशा डैबिंग मोशन में यूज़ करें कभी भी इसको ड्रैग मत करें क्योंकि ड्रैग करने से जो है आपकी एकदम नेचुरल फिनिश नहीं आती है जितना ज़्यादा डैप करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो मेकअप है एकदम नेचुरल लगेगा ज़्यादा बनावटी नहीं लगेगा सो माय कंटूरिंग इज़ डन अगेन आई एम टेकिंग दिस पैलेट एंड टेकिंग दिस कलर मरून शेड ऑन माय पेंसिल ब्रश और मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दूंगी और मैंने अपने नीचे पहले आई लैशेज के मस्कारा लगाना मैं भूल गई हूँ इसलिए मैं वहाँ पर भी मस्कारा लगा लेती हूँ नाउ माय आईज एंड माय फेस इज डन एंड द ब्लश आई एम गोइंग टू यूज दिस मार्स ब्लश ब्लशर फाइव कलर पैलेट ये मेरा फेवरेट है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और मैं इसमें से ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ लाइट पीची कलर और बहुत लाइट हैंड से मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अगर आपको जैसे मुझे इस चीक एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी मैं वापस अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और यहाँ से थोड़ा सा शेड लेकर इसके ऊपर लगाऊँगी ताकि वो जो कलर है वो थोड़ा सा सटल लगे अब है लिप्स की बारी तो लिप्स के लिए मैं सबसे पहले लिप्स को अपने कंटूर करती हूँ लिप लाइनर के साथ तो लिप लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर ग्रेस का और इसका शेड नंबर है 010 ये एक वाइन कलर का लिप लाइनर है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब भी पार्टीज होती हैं या कोई स्पेशल ओकेजन होता है मैं इसी लिप लाइनर को यूज़ करती हूँ And today I'm going to use two lipstick shades and I will mix them together. So the first shade which I'm going to use is from Olaplex and this is beautiful shade and the shade name is Pretty Purple. Look at the color. Or इसी के ऊपर मैं दूसरा शेड लगाऊंगी और वो है फ्रॉम द ब्रांड एमटीवी मुआ और ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन शेड है और मैं इस पर्पल के साथ इस ब्राउन को थोड़ा सा मिक्स करूंगी और
beautiful sa color ni Kanaya. Okay guys, so this is the final look. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel, like my video and do press the bell icon so that you will get notification. Notification aapke liye bahut zaruri hai, please bell ko dabaiye, tabhi aapko notification milega ki Nitika ne video dala hai. Aur mujhe comment section mein zarur batana ki aapko mera video kaisa laga aur kis tarah ke videos aap dekhna chahte ho, main wo videos zarur aapke liye karungi aur bahut अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अब आपके लिए बनाने वाली हूँ और अभी इस पर काम चल रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.